गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज रेणुका रेया व्लॉग्स। बाबू तुम्हारी पिटाई करूं क्या मैं? आप मुझे देख के तो समझ गए होंगे कि आज थर्सडे है और थर्सडे का मेरा फास्ट होता है। तो जी हाँ, और जो चेहरे पे आप पसीना देख रहे हैं, ये पूरी ह्यूमिडिटी है, सब जगह बारिश हो रही है। तो जब तक बारिश होती है तब तक तो ठीक रहता है, एंड उसके बाद तो बस क्या ही बताऊँ आप सबको बहुत अच्छे से आपको मालूम ही होगा। और बस मेरी पूजा हो चुकी है, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी पूजा करने में, तो मैं बस अभी क्विक अपने लिए जल्दी जल्दी से चाय बनाऊँ। और देखिए, आप देख सकते हो चाय में प्रॉपर उबाल आ गया है, और ये मेरा जो मखाना है ये मैंने भून रही हूँ। और ये रखा है मेरे लिए खीरा और बादाम, जो कि मैं बाद में खाऊंगी। वैसे तो मैं पहले खा लेती हूँ, बाद में चाय वगैरह पीती हूँ, बट अब मैंने सोचा है कि यार पहले आज चाय पी ली जाए और फिर और मख लिया जाए। तो चलिए जल्दी जल्दी से चाय पीती हूँ। और एक और चीज़, आज आपको ना यार, जो मैंने आपके लिए एक शॉपिंग हॉल आप सबके साथ शेयर किया था तो उसमें मैंने बिहाइंड द सीन्स काफ़ी कुछ शूट किया। आई होप कि आप वो एंजॉय करेंगे, तो मैं ज़रूर आपको आज वो दिखाऊंगी, उसमें रिदांश की मस्ती और हम लोग किस तरीके से हर बार ऐसा होता है कि मैं कैमरा फिक्स करती हूँ, रिदांश आके उस कैमरा में कुछ छेड़खानी कर देता है तो वो कैमरा गिर जाता है, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में। तो चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, और गर्मी है लेकिन जो चाय पीने का आनंद होता है सुबह और शाम का, उसकी कोई बात ही नहीं है है ना, मानते हैं ना जो चाय लवर्स हैं। गाइज आप देख सकते हो कितना अच्छा वेदर है यहाँ नोएडा में, दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, आज फिर भी वेदर ठीक है। आपको थोड़ा फ्लोर जो नीचे का है वो फिर भी यार थोड़ा सूखा सूखा दिखाई देगा, अदरवाइज़ यहाँ पे दो दिन से लगातार बारिश हुई थी, अभी भी आप ऊपर बादल देख के समझ सकते हो। और मैं यहाँ पे हूँ और मेरी एक्चुअली फ्रेंड आने वाली है अभी, तो आप सबसे मिलाऊँगी उसको, ऐसी आ रही है शाम को चाय पीने साथ में, हम लोग बहुत दिन हो गया मिले नहीं हैं, तो ये था कि चलो आएगी तो मिल लेंगे, तो आप सबसे भी मिलाऊंगी। ये है मेरी फ्रेंड निशा। हाय। तो गाइस ये बगल वाले टावर में ही रहती है, इसकी भी एक छोटी सी बेबी है रिदांश के बराबर, 2.5 साल की, बट ये उसको लेके नहीं आई है। क्यों नहीं लेके आई उसको? वो मना ही कर रही थी कि मेरे को नहीं जाना है, मम्मा नो मम्मा नो अदरवाइज रिदांश उसके साथ खेल ले, रिदांश यहाँ पे मस्ती कर रहा है, निशा को सब दिखा रहा है कि मैं कितनी शैतानी करता हूँ। बहुत एक्साइटेड हो रहा है मेरे को। कितना एक्साइटेड हो गया था? बहुत ही ज्यादा। और है ना, वो अपने स्कूटर को लेके इतनी तेज इतना स्पीडली राइड कर रहा है ना, बहुत ज्यादा बहुत खुश है मेरे को। तो गाइज हम लोग बातों में इतना बिजी हो गए थे कि हमने कुछ शूट ही नहीं किया, चाय वगैरह हम लोग पी चुके हैं, 2 घंटे बैठ के बात कर चुके हैं, अब मैंने बोला यार चलो मैं थोड़ा बहुत शूट कर लूँ, और मेन चीज़ तो शूट करना मैं भूल ही गई। ऐसा होता है ना कि आप जब सोचो लेकिन फ्रेंड्स आ जाते हैं तो दिमाग से उतर जाता है। तो बस ये निहारिका ने आपने मिला था ना, तो उसके नेबर है, और हम भी अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत टाइम से हम मिल नहीं पाए थे क्योंकि कभी ये बिजी कभी मैं बिजी। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। हाँ, तो बस मिल नहीं पाया था, आपको भी आगे के ब्लॉग में ये दिखाई देगी। और वैसे भी मैं निशा और निहारिका अक्सर साथ में ही चाय पीते हैं शाम को, बट इधर भी सब लोग ही थोड़ा थोड़ा बिजी चल रहे थे, तो टूटा फूटा सब मिल रहे थे अपना, बट अब कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आपके साथ एक तीनों मिलके एक ब्लॉग बनाए। और कभी मैं निशा के घर जाऊंगी, निशा का घर बहुत अच्छा डेकोरेटेड है, इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, इसको डेकोरेशन का बहुत शौक है, तो कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको टूर कराऊंगी। इसने बालकनी वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट करी हुई है। तो निशा जी आप कभी मेरे को बुलाइए चाय वाय, अब मेरे व्यूअर्स को बुलाइए चाय वाय पिलाइए, सबको दिखाऊंगी अपना घर, मैं नहीं बल्कि रेणुका दिखाएगी। हाँ, इसका घर भी है पक्का पक्का, और सबसे मिलाऊंगी आप सबको। तो चलिए आगे आप देखती हूँ क्या शूट कर पाऊंगी, और चाय पानी तो हो गई, पेट पूजा मारी हो गई, बस हम बैठ के बातें कर रहे हैं।
बाय बच्चों को मम्मी नीचे ले जाएगी अभी, आंटी पास मत जाओ। अंकल डॉक्टर पास जाएंगे सुइयां लगवाने। आपको डॉक्टर के पास चले आज आंटी के साथ में। चलो आरती कर लेंगे आज, अभी आरती करके और कुछ खा के फिर हाँ फिर हम लोग नीचे चलेंगे मम्मा के साथ में, स्विंग करके आएंगे। ठीक है तो निया आंटी जा रही हो? हाँ यार अब जा रही हूँ बस। कब आओगी आप? बेबी को घर छोड़ के आई हूँ ना तो उसको भी कुछ खाना वाना खिलाना है। हाँ तो जैसे इन्होंने अपनी बेबी को छोड़ के आई है तो उसको खाना खिलाना है बताया इसने, तो कब आओगी निशा? अब जल्दी मिलते हैं यार, तुम आना अब घर पे। आऊंगी। चलो निहारिका आएगी तो मिल के एक व्लॉग बनाते हैं कोई धमाकेदार। तो गाइज आप इंटरेस्टेड हैं? आप पूछो, आप इंटरेस्टेड हो मेरे घर पे आने के लिए? और निशा और निशा निहारिका और मैं और तुम हम तीनों बैठ के अच्छा मारेंगे एक व्लॉग वैसा बनाएंगे। हाँ। है ना। और जल्दी अगर मेरे लॉज जैसे अगर कहीं जाते हैं तो हम नाइट स्टे भी करेंगे पक्का। एक बार हमने वैसे किया हुआ है ना निशा। हाँ, एक बार तो बहुत मजा भी आया। एक बार हमने तीनों बच्चे के साथ हमारे ही घर पे हम तीनों ने नाइट स्टे किया था। तो गए बस ऐसा था कि कोई अपने बच्चों के लिए कहीं पड़ा है, कोई अपने बच्चे क्योंकि बच्चे रात में उठ जा रहे थे तो लेकिन हमने एंजॉय किया। हमने रात में ठंड का टाइम था तो हम रात में चाय पी रहे हैं 2 बजे तो हमने एंजॉय। कभी कभी ऐसा फन टाइम होना चाहिए। क्यों निशा अच्छा लगा? बहुत मजा आया था, लिटरली बहुत मजा आया था। बस थोड़ी बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम इतना नहीं दे पाते हैं। हाँ, क्योंकि तीनों के बच्चे एक ही साइज के 2.5 से 3 साल के और 3 बच्चे तो समझ ही सकते हो। तो बहुत जल्द एक ब्लॉग आएगा, नाइट स्टे करेंगे कभी अगर टाइम मिला तो, मौका मिला तो, सिचुएशन बन पाई तो। अदरवाइज एक ब्लॉग हम तीनों साथ में शूट करेंगे, है ना निशा? चल निशा बाय कर दो। बाय बाय एवरीवन। प्यार देना हमारी रेणुका को। आप भी आप देखिए मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब भी जाओ यार। जो भी अपडेट होती है वो मैं चेक करती रहती हूँ। और निशा कमेंट्स भी पढ़ती है सबके। हाँ बिल्कुल सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं। चलो ठीक है निशा बाय कर दो। बाय एवरीवन बाय। बिहाइंड द सीन्स है, अभी मेरे को एक हॉल वीडियो शेयर करना है अपना शॉपिंग हॉल वीडियो, तो मैं वही शूट कर रही थी शूट करने जा रही थी तो बस मैं रेडी हो रही थी। मैंने सोचा कि यार बिहाइंड द सीन्स भी अच्छे लगते हैं देखने में, बिकॉज मेरे को दो चार एक बार मैंने शायद शेयर किया था तो आया था कि पूरी हमें बिहाइंड द सीन्स देखने का मन करता है कभी शेयर करना, तो मैंने कहा चलो करती हूँ थोड़ा बहुत लेके। और ये पीछे जब भी मैं रेडी होती हूँ ना तो ये रिदांश हमेशा मेरे पीछे ही घूमता रहता है, कहीं पे मैं जाती हूँ तो भी रेडी अगर हो रही हूँ तो रिदांश आगे पीछे ही रहेगा मेरे। तो वैसे तो मेरे बाल हेयर्स जो हैं मेरे वो स्ट्रेट हैं लेकिन स्टिल थोड़ा फाइनल टच देने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं करती हूँ तो बस थोड़ा बहुत एक फाइनल टच देने के लिए मैं स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ। और रिदांश पीछे आप देख सकते हैं क्या कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं, रेडी हो जाती हूँ फिर आप सबसे। ओके तो बस मैंने अपने हेयर्स कर लिए हैं, अब मैं जल्दी जल्दी से बस रेडी हो रही हूँ। और पहले सबसे पहले ना मैं अपने बाल बनाया नहीं मतलब स्ट्रेट कर लिया है मैंने, और अब मैं जल्दी जल्दी से रेडी होऊंगी, पहले अपना फेस का निपटा लूँ एंड देन उसके बाद मैं कपड़े पहनूंगी बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं आपको बता दूँ कि मैं रेडी हो रही हूँ अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के पास एंड रिदांश यहीं पे है। आपको मैं दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? इधर इधर देखो, हेलीकॉप्टर सही कर रहे हो? करो
तो आपने देख लिया कि वो, मैं बता तो रही हूँ, मैं जब भी तैयार होती हूँ या कुछ भी तो वो हमेशा मेरे पास ही खड़े होकर कर रहा होता है, परेशान नहीं करता यार, तैयार व्यार होने देता है और वीडियो भी बनाने देता है, परेशान नहीं करता इस तरीके से। चलिए फटाफट से हो जाती हूँ रेडी, दिन मिलती हूँ आपसे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज रेणुका रेया व्लॉग्स। बाबू तुम्हें पिटाई करूँ क्या मैं? तो गाइस जो वीडियो था वो मैंने शूट कर लिया है, अब एज यूजुअल रिदानश आ गए हैं, मेरे बालों में कोम कर रहे हैं। क्यों मम्मी के बाल खराब थे क्या जो आप कोम कर रहे हो? और बस जो मेरी चूड़ियों का जो सब मतलब मैं लगा रही थी अपने सारे सामान को सही कर रही थी, अब चेंज भी करूँगी। और रिदानश मेरे बालों पे इस तरीके से मतलब कोम कर रहे हैं, पूरी वीडियो में शांत बैठा था, अपना काम कर रहा था अंदर जाके, और अब जैसे देखा है कि मैं सब कुछ वाइंड अप कर रही हूँ तो ये तुरंत आके मेरे बालों में कोम करना शुरू कर दिया। गाइस रिदानश के कोम करने के बाद जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आया है, और मैं यहाँ पे बैठ के चूड़ियाँ जो आपको दिखाई हैं वो सब कर रही हूँ, और रिदान जिस तरीके से मेरे बालों को बिगाड़ रहा है। अच्छा चलो हटो अब, मैं हाँ सीधा सीधा चलो। तो गाइस वीडियो हो गई है शूट, और चूड़ियों के डब्बे को मैं रिदान को कह रही हूँ कि आप मेरी हेल्प करो, तो बेचारा चूड़ियों का डब्बा आप देख सकते हो लेके जा रहा है, रख दो। और ये मेरी साड़ियाँ हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया था। क्या खोलो खोलो, ऊपर नहीं मैं रख लूँगी, थैंक यू, गिर जाएगा टूट जाएगा। गाइस आपने देखा मैंने आपको बिहाइंड द सीन्स दिखाए थे, पूरा नेचुरल सब कुछ आपके साथ शेयर किया कि कैसे होता है, मैं क्या करती हूँ, हर बार कुछ इस तरह की वीडियो करती हूँ तो क्या होता है, और ये मैं पैकअप टाइम है, मैं सब कुछ वाइंड अप करी थी बेसिकली, तो आप सबके साथ शेयर किया मैंने। लगी आपको आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताना, थैंक यू, बाय।